दर्शक बंधु म्यांमार संपर्क एथिपूर्व आम विस्तृत आलोचना कर सारीचे विभिन्न कार्यक्रम तबे सबुठ बड़ कथा तीनोटी दृष्टिकोण को नहीं म्यांमार कथा जदि आलोचना करा जाए ताहले प्रथमे आसिबो सरकार 2015 रे बांग्लादेश रे निर्वाचन होइथिला एवं आंसान सुकिंग को दल विजय लाभ करथिला 2020-21 रे जो निर्वाचन होइथिला म्यांमार रे एथिरे आंसान सुकिंग को सही दल को विपुल मात्रा रे वोट मिलिथिला एथिरु स्वतः मने होतला कि म्यांमार रो जनता बे एक गणतांत्रिक राष्ट्र को उज्जीवित करबा पई व्यापक मात्रा रे गणतांत्रिक सरकार को प्रोत्साहित करुचंती एक हजम हलानी सेनार 1949 रु लगातार अनेक बार म्यांमार सेनार कब्जे रही आसी तेणु म्यांमार सेना केते बेले चाहे ना कि म्यांमार रो जो सरकार बा जो शासन रही सेना हाथ छाड़ी जाऊ 2020-21 निर्वाचन में आंसान सुकिंग नेशनल लीग को विपुल समर्थन मिलता बेले भ्रष्टाचार आरोप लग कब्जा कर सेना म्यांमार रो निर्वाचित सरकार को एवं देश में जरूरकालीन शासन लागू कर देथिला फेब्रुवारी मास रे घटना घटला बळी म्यांमार रो जनता लगातार भाबे एहारो विरोध रे उल्लेखि आथिले रास्ता को सेना आरंभ कला कार्यानुष्ठान एवं व्यापक मात्रा रे एही विरोध एवं कार्यानुष्ठान एही भळी क्रम रे गति कला कि आजिका हिसाब रे प्राय 800 रु ऊर्ध लोकंकर मृत्युवरण हबार खबर मिली यार परवर्ती पदक्षेप रे म्यांमार रो भौगोलिक सीमा भितरे प्राय 10-20 विद्रोही गोष्ठी मुंड टेकवा देखा जाए एम भितर दुईट प्रमुख गोष्ठी कारेन ग्रुप एवं काचिन ग्रुप यही दुईट गोष्ठी अत्यंत शक्तिशाली एवं एमाने एवं अस्त्र उठाई म्यांमार सेना विरुद्ध तेरे सबुठ बड़ कथा एम गरिला युद्ध बा गरिला फाइट को आधार कर व्यापक मात्रा रे लुचा चोरा रे म्यांमार सेना उपरे आक्रमण आरंभ कर निकटरे कारेन ग्रुप द्वारा जो हमला होता ए प्राय 250 जन म्यांमार सेना मृत्युवरण करबर को आंतु बर्तमान रो भिस्थित म्यांमार देखादी यह अकल्पनीय कारण एवं साधारण जनता भी अस्त्र उठेबा आरंभ कले सेना विरुद्ध तबे दुई दिन तले एक जोरदार आंदोलन भितर प्राय 20 जन म्यांमार जवान मृत्युवरण करथिबा खबर आछि ताबि जनसाधारण का आक्रमण रे एबे विभिन्न स्थान रे म्यांमार रो जनता ब्लॉकेड तयारी करि जेतेबेले सेना किबा पुलिस को देखुचंती सेतेबेले गभीर मात्रा रे प्रचंड मात्रा रे आक्रमण जारी रखिचंती थाना को टार्गेट करबा मध्य एमाने भूलु नाहंती फळरे 20 जन जवान को मृत्यु रो खबर आछिला बेळु को एक खबर पहुंचला म्यांमार सेना पाखरे एमाने मध्य ब्लॉकेड होइतुवा स्थान को परिदर्शन करबा पई आसीथिले एवं एक हेलिकॉप्टर रे मध्य सेना एठारे प्रवेश करथिले किंतु जणा पड़ती कि एमानको भितरु भी 11 जण गुरुतर अवस्था रे तेनु सबुठ बड़ कथा प्राय 40-45 जण जवान एबे म्यांमार जनतांको शिकार हबा आरंभ होई म्यांमार जनता प्रबल मात्रा रे उत्क्षिप्त होई एबे सेना एवं पुलिस उभयकु आक्रमण करथुवा जनापड़ी डेवस सहर रे जो लगातार तीव्रता देखा देखी आंदोलन विद्रोह एथिरे प्राय 20 जन जवान मृत्यु होइथवार खबर मिली केवल एतिके नुह ए भितरे राजनीति दृष्टिकोण देखिले चीन मध्य स्वतः छंदी होई पड़ी एमिति भी म्यांमार भितरे चीन रो अनेक निवेश रहिथवा पळे चीनी कंपनी मानकु मारपीट बा चीनी कंपनी गुड़िकर भंगारुजा करिबा पई मध्य साधारण जनता एबे कार्य आरंभ करचंती व्यापक मात्रा रे चीनी कंपनी क्षय क्षतिर सामना करचंती एही दृष्टिकोण रु एबे चीन रो राजनीतिक दृष्टिकोण रु मध्य एही जनता माने विरोध करथिबा देखा दैकि फळरे उभय सेना एवं चीन परस्पर बयान भित्तिरे एही आंदोलन को दबाइबार घटना कह जाउथिले मध्य जनसाधारण एबे सेना समेत चीनी कंपनी मानक टार्गेट कर देखा दे म्यांमार रे पाइपलाइन मध्य बिछाई चीन जदि यार लोकसान हुए ताहले प्राय अनेक टंका जहाँ चीन निवेश करिछि एही झटका चीन को संभालिबा को पड़िबो तेणु एही दृष्टिकोण रु एही घटना आगामी दिन रे केमिति बड़ रहुछि ताहा मध्य देखिबा को बाकी रहिला अपरपट रे इजराइल एक प्रेस विवृति रे कहिछि कि भारत इज्राएल सह एपर्यंत संपर्कित जदिओ भारत खोलाखोली भाव में इज्राएल रो समर्थन करना किंतु युएन रे फिलिस्तीन एक स्वतंत्र देश हो बोली दावी करना
ଦୁଇଟି ଦେଶର ଯେଉଁ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବୟାନରେ ସମର୍ଥନ କରିନାହିଁ। ଏହି ହିସାବରେ ଭାରତରେ ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜଦୂତ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସମତୁଲ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ବିଦେଶ ନୀତି କେତେ ମଜବୁତ ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲଗାତାର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାରତ ଯଦିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିନାହିଁ ତଥାପି ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଏହା ହିଁ ଭାରତର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ କୂଟନୀତି ଏବଂ ଏହି ଆଧାରରେ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଚକିତ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲକୁ। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତକୁ ବି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ସମର୍ଥନ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୂଟନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତ ନିଜସ୍ୱ ରଣନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ୟୁଏନ୍ରେ ବୟାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ କିନ୍ତୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଭୁଲି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ କୂଟନୀତି ଏବଂ ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ଭାରତ ଜାହିର କରି ଉଭୟ ଦେଶ ସହ ସମତୁଲ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଚାଲି ମ୍ୟାମାରର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ଦିଗରେ ଯଦି ଖବର ଆସି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଗ୍ରହାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବେ ଗ୍ରହାଧୀନ ଦେବତା, କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି? କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବଦଳାଇ ପାରିବନି ତାର ନିଜ ଭାଗ୍ୟ? ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।